कैसे हो आप सभी। अभी ऑटोमोटिव की एक नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। आज हम एक छोटी सी कॉम्पैक्ट गाड़ी के बारे में बात करेंगे जो है मारुति सुजुकी इग्निस। बॉडी टाइप तो इसकी हैचबैक में आती है पर दिखने में ये लगती है मिनी एसयूवी। इसका अल्फा वेरिएंट जो एक शोरूम प्राइस 7,60,000 से शुरू हो जाता है। प्राइस रेंज में आपको टॉप वेरिएंट मिल रहा है, इससे बढ़िया बात क्या होगी भाई। मारुति सुजुकी इग्निस मिल रही है आपको टॉप वेरिएंट में। प्रोफाइल में आपको बूट से कनेक्टेड टेल लैंप्स मिल जाते हैं और इसी के साथ अगर हम करें रियर बम्पर की बात तो ड्यूल टोन कलर में आपको रियर बम्पर देखने को मिलता है जिसमें आपको सिल्वर कलर की भी फिनिश देखने को मिलती है। प्रोफाइल जो जो गाड़ी के अंदर कर्व निकलते हैं ना वो इसके लुक को एनहेंस करते हैं जो दिखने में बड़ी बल्की सी लगती है। गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल कुछ ऐसे देखने को मिलती है और इसी के साथ जो क्रोम फिनिश है पूरी गाड़ी के बम्पर को कवर करती है। हुड में हवा जाने के लिए आपको ब्लैक कलर की ग्रिल मिलती है। गाड़ी का फ्रंट बम्पर इसके लुक को एनहेंस करने के लिए ड्यूल टोन में दिया जाता है। इसी के अंदर आपको एलईडी डीआरएल्स के साथ एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और टर्न इंडिकेटर के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। गाड़ी के फ्रंट बम्पर में आपको फॉग लैम्प भी ऑफर किए जाते हैं। में आपको 15 इंच के ब्लैक कलर अलॉय ऑफर किए जाते हैं और अगर हम इसके टायर प्रोफाइल की बात करें तो 155/65 R15 के आपको टायर प्रोफाइल मिल जाती है। हम इसके डायमेंशन की बात करें तो लेंथ आपको 3400 mm की मिल जाती है और विड्थ आपको 1760 mm की मिल जाती है। हाइट 1535 mm की मिल जाती है और अगर हम इसके व्हील बेस की बात करें तो 2435 mm का आपको व्हील बेस मिल जाता है। और सिल्वर कलर में आपको रूफ रेल्स, ब्लैक कलर में बॉडी एंटीना और बॉडी कलर में आपको स्पॉइलर भी ऑफर किया जाता है और इसी के साथ रियर वाइपर, रियर वॉशर और रियर डिफॉगर भी आपको रियर प्रोफाइल में देखने को मिलते हैं। बूट के मिडिल में आपको मारुति सुजुकी लोगो और लेफ्ट साइड में इग्निस की बैजिंग देखने को मिलती है। गाड़ी में आपको 260 लीटर का बूट स्पेस भी मिल जाता है जो इस सेगमेंट में बहुत ही अच्छा बूट स्पेस है। इस गाड़ी में आपको 1197 cc का पेट्रोल इंजन मिलता है जो 85 BHP के साथ 113 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है कि आपको 20 km/L का गाड़ी एवरेज निकाल के देती है। फ्रंट लुक से तो बहुत प्यार लगती है। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर के अंदर, दिखाते हैं आपको इंटीरियर कैसा देखने को मिलता है। गाड़ी का इंटीरियर आपको ड्यूल टोन कलर के साथ देखने को मिलता है। इंटीरियर में आपको ब्लैक व्हाइट का कॉम्बिनेशन मिलता है और इसका इंटीरियर इतना यूनिक है कि आपको लगेगा कि हाँ भाई कुछ यूनिक तो दिया है मारुति ने इस बार। स्टेयरिंग व्हील आपको ड्यूल टोन कलर के साथ मिलता है जिसमें आपको माउंट कंट्रोल के सभी ऑप्शन देखने को मिलते हैं और क्लाइमेट कंट्रोल के साथ आपको एसी मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर आपको टैकोमीटर और स्पीडोमीटर एनालॉग में मिलता है और वहीं इसको स्पोर्टी बनाने के लिए ब्लू एलईडी का यूज किया है। व्हाइट ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ आपको यूनिक डिजाइन में डोर पैनल मिलते हैं। गाड़ी के अंदर आपको ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल भी ऑफर की जाती है और इसी के साथ हम बात करें स्टेयरिंग की तो स्टेयरिंग व्हील आपको टिल्ट एडजस्टेबल आपको स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है। इसी के साथ आपको इसमें पुश स्टार्ट स्टॉप बटन और इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। स्टेयरिंग व्हील में आपको कोई भी लेदर रैप स्ट्रेचिंग नहीं मिल पाती। गाड़ी का डैशबोर्ड आपको फ्लैट फिनिश के साथ देखने को मिलता है। 9 इंच का आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जिसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले के सभी ऑप्शन देखने को मिलते हैं और ग्लव बॉक्स के अंदर आपको डबल स्पेस के लिए जगह मिलती है जिसमें आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। पैसेंजर साइड डैशबोर्ड में भी आपको स्पेस देखने को मिल जाता है और इंफोटेनमेंट सिस्टम के नीचे ही आपको हजार स्विच और इसी के नीचे आपको क्लाइमेट कंट्रोल, एसी के सभी ऑप्शन, सॉकेट, यूएसबी पॉइंट और एक ऑक्स पॉइंट आपको देखने को मिलता है और वहीं पे आपको मोबाइल होल्डर और 2 कप होल्डर गियर नॉब के पास देखने को मिलते हैं। बॉर्डर आपको सिल्वर कलर फिनिश के साथ देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको स्पेस भी बहुत अच्छा मिल जाता है। इसी के साथ अगर हेडरूम की बात करें तो हेडरूम भी आपको गाड़ी के अंदर बहुत अच्छा मिल जाता है। ग्रैब हैंडल आपको ऑटो फोल्ड मिल जाते हैं। गाड़ी की रियर प्रोफाइल में दिखाते हैं आपको रियर प्रोफाइल में कैसा स्पेस मिलता है, कैसे आपके लिए स्पेसियस है नहीं। फ्रंट से तो ठीक थी। फ्रंट सीट्स की रियर में आपको पॉकेट ऑफर नहीं की जाती, वहीं आपको एक बोतल होल्डर मिल जाता है। इसी के साथ अगर हम हम्प की बात करें तो आपको मिनिमम हम्प गाड़ी के मिडिल में देखने को मिलता है। रियर कैबिन में आपको ड्यूल टोन कलर के साथ डोर पैनल्स देखने को मिलते हैं। रियर डोर में स्पीकर सेटअप और बोतल होल्डर भी देखने को मिलता है। सीट्स में आपको कोई भी आर्मरेस्ट ऑफर नहीं किया जाता, हेड एडजस्टेबल हेडरेस्ट और सीसी के साथ 40:40 में आपको सीट्स ऑफर की जाती हैं। की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो करते हैं समाप्त। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।